अफवाहों का शिकार ना राम राम बने। दोस्तों दोस्तों, ये वीडियो मनोज मुंतशिर के कल के दिए गए इंटरव्यू के ऊपर है। उसका उनका जवाब है, जो इतने बेवकूफ़ी तरीके से जो इंटरव्यू दिया है उसका जवाब है। उनके जो इंटरव्यू के अंश हैं, 17-18 मिनट के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अंशों को मैंने काट काट के उसका जवाब दिया है। तो मेरा एक बेवकूफ़ाना इंटरव्यू सामने आया, आदिपुरुष से ज़्यादा बेवकूफ़ इंटरव्यू इनका आया है। और आज ही आया आदिपुरुष के ऊपर, इनके जो डायलॉग लिखे गए हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो है पब्लिक मूर्ख है, ये मूर्ख नहीं है। चलिए हम इसी पर बात करते हैं आज। इसे मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण नहीं बनाई है। तो दोस्तों, सुना आपने मनोज मुंतशिर ने क्या बोला है अभी, क्या बयान दिया और क्या इंटरव्यू दिया, उसको सुन के आप क्या बोलेंगे? इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये क्या बनाए, उन्होंने क्या नहीं बनाया। ये कुछ और कहते हैं, इनके डायरेक्टर कुछ और कहते हैं, और इनके डायरेक्टर ओम राउत, जब फिल्म का टीज़र रिलीज़ होता है या फिल्म रिलीज़ होने के एक दिन पहले, ये पब्लिकली झूठे आंसू के देखिए क्या बड़ी बात कहते हैं। सुनिए जरा आप। प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण। कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने सड़े डॉले घटे डॉलर्स की केक को कवर अप करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए अभी झूठ बोलने की बात कर रहे हैं कि लोगों को, कुछ लोगों को जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। ये कौन सी बात हुई भाई? क्यों किसी को जय श्री राम से नारे से आपत्ति होगी? सिर्फ अपने घटिया डॉले, अपनी घटिया सोच और घटिया लेखन को छुपाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं मनोज बेवकूफ़ आदमी। आइए मनोज की गधा 25 सुनते हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग कांड हुए थे रामायण में, है ना, ये कांड वो कांड, उसी प्रकार से मनोज की अपन 25 बनाते हैं। तो मनोज 25 अभी उनने जो इंटरव्यू दिया है, तो मनोज 25 पर अपन बात करेंगे। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। मनोज गदा 25 के हिसाब से 37 साल पहले आई थी अनावर रामानंद सागर जी की रामायण, और युगो साहब की आई थी 30 साल पहले द लेजेंड ऑफ रामायण। मैंने 37 साल पहले, 30 साल पहले जो दो रामानंद सागर जी रामायण बनी थी, योगो साहब की जो एनिमेटेड सीरीज बनी थी रामायण के ऊपर, क्या उनको संस्कृत आती थी? क्या संस्कृत में वो चीज़ बनी थी? जो संस्कृत की बात कर रहे हैं बेवकूफ़ आदमी। मुंतजी साहब, उन दोनों रामायण में, खास तौर पर मैं रामायण रामानंद सागर की रामायण की बात करूँगा, तो संस्कृत और हिंदी का बहुत प्यारा मिलाप और बहुत प्यारा संवाद उसमें लिखे गए थे, जो कि उस चीज़ को बहुत महान बनाते हैं। कृपया करके आप फिर से इस रामानंद सागर जी की रामायण देखिए, उसके बाद ही बेवकूफ़ी वाली बातें कीजिए गधा 25 वाली। और ये बात सोचिए, पौराणिक समय पर अगर ठीक है संस्कृत भाषा बोली जाती थी, संस्कृत भाषा में ही हमारे पुराणों में वार्तालाप हुई होगी, लेकिन उसी चीज़ को कितने प्यारे तरीके से संस्कृत को इतने प्यारे शब्दों में पूर्व के, हिंदी के शब्दों में पूर्व के, प्लस कुछ शब्द संस्कृत के शब्दों को मिला के कितने प्यारे संवाद लिखे गए थे रामानंद सागर जी के रामायण में। आपको लगा कभी किसी प्रकार की उपटान चीज़ बोली गई होगी, जो आप इस प्रकार के जो आप डायलॉग लिखे हैं उसमें आप ये चीज़ कंपेयर करके बोल रहे हैं? कुछ अकल अकल है कि नहीं? इतने बड़े जोधा नहीं बन गए आप? और रामानंद सागर जी के रामायण जो भी संवाद लिखे गए थे, वो इस प्रकार से लिखे गए थे कि एक आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को बहुत आसानी से शुद्ध हिंदी में कुछ संस्कृत के शब्दों को मिला के बहुत अच्छे संवाद समझ में आ सके, है ना। बहुत प्यारे शब्दों का चयन करके बहुत बढ़िया संवाद लिखे थे, जो कि लोग आम साधारण आदमी तक, एक छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक आसानी से वो रामायण के जरिए पहुँच सके, और आज वो याद किए जाते हैं। याद नहीं कोरोना का समय, कोरोना काल का समय, बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी है। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। इस बात को मनोज ओवर स्टेट करना नहीं भूलते कि हनुमान जी में एक बच्चे जैसा मन था, वो एक बहुत शक्तिशाली थे, ये सच्चाई है दोस्तों। पर बड़ी चालाकी से इस बात को, इस स्टेटमेंट को बोला नहीं गया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया मनोज के द्वारा कि हनुमान जी वॉज द किंग ऑफ स्कॉलर्स, सबसे बड़ी पूरी सृष्टि के वैदिक स्कॉलर थे वो, और एक ही आज तक स्कॉलर हुआ है जिसे 9 के 9 व्याकरण याद हैं। व्याकरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, और वेद हनुमान जी जिन्होंने सूर्य देवता से व्याकरण का ज्ञान लिया हो, वो इस प्रकार की बातें करेंगे? कोई किसी भी जनरेशन के समय है कि वो कहेंगे कि तेरे बाप का तेल था, तेरे बाप की जलेगी? हैं, क्या मूर्खतापूर्ण बात है मनोज सर, ये मनोज चच्चा।
हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रमाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती है। चाचा, जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण प्योर संस्कृत में लिखी थी ना, उसको एज इट इज रामानंद सागर जी ने और जोको साको जी ने एज इट इज नहीं लिखा, पर अपने हिसाब से उन्होंने संवाद को लिखा जो कि आज तक लोगों की जुबान पे और आज तक लोगों को अच्छी लगती है और आज तक वो देखना पसंद करते हैं। फिर से बोलूँगा, कोरोना काल याद नहीं है क्या आपको? ये जो आपकी गधा 25 से 12 बकवास तक लॉजिक दिया जा रहा है ना संस्कृत भाषा को और हिंदी भाषा को लेके कि संस्कृत नहीं आती, इसमें लिखते ही नहीं, ये सब ना फालतू की बातें, इन सब चीज़ों को मत रखो, सीधे सीधे अपनी गलती को मानो, उसको एक्सेप्ट करो, है ना, पंचायती खत्म करो। बहुत बलि भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हनुमान जी भक्त थे, राम जी के भगवान ही थे, एकदम सही बात। पूरी दुनिया को पता है, पूरे राम भक्त को पता है, पूरे हनुमान भक्त को पता है कि राम भक्त थे हनुमान जी, है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं, चलते हमने उनको भगवान का ओहदा दिया, बिल्कुल सही बात। और मनोज जी जब आदि पुरुष के डायलॉग लिख रहे थे तब आपके मन में हनुमान जी के लिए क्या बात आई थी? क्या वो आपके लिए भगवान नहीं थे? उस समय तो भगवान थे ना आपके लिए हनुमान जी, कि उस समय भगवान नहीं थे आपके लिए? सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। तो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा। बहने सोरे समझे कह देना कि आज के जनरेशन को और भगवान राम के बारे में पता ही नहीं है, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो यार तुम। लोगों की फिल्म देखेगा आजकल की जनरेशन के बच्चे तो अपने बाप से क्या सवाल करेंगे, सवाल करेंगे ना कि क्या उस समय भगवान राम लेदर के कपड़े पहनते थे, हैं ग्लेडिएटर वाले जूते पहनते थे, ग्लेडिएटर वाले ने इनको देख के जूते पहनना शुरू करें क्या, इन्होंने लाल कपड़े क्यों पहने, इन्हें भगवा कपड़े क्यों नहीं पहने, राम जी की मूंछ क्यों है, बाल बड़े हैं चलो ठीक है, लक्ष्मण जी की दाढ़ी मूंछ क्यों है, हनुमान जी की मूंछ क्यों नहीं है, ये सभी चीज़ पूछेंगे ना। और डॉलेक कहाँ से, ये बाप जली, बाप की जली, तेल जला, ये सब पूछेंगे नहीं पूछेंगे? वाह 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 वाह। जितनी चीज़ों की सिग्निफिकेंस थी रामायण में, उन सब चीज़ों को तुमने तो नाली फेंक दिया। तुम्हें पता भगवा कपड़े क्यों पहनते थे? के कई नहीं भगवा कपड़े दिए थे श्री राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, क्यों? क्योंकि भगवा कपड़े से जब वनवास जाते तो वनवास में उन्हें ना तो बिस्तर मिलता, ना राजमहल मिलता, ना बड़ी बड़ी सुविधाएं थी वो उनको राजमहल में मिलती, वो मिलती, इसलिए मच्छर मक्खी मकौड़ों से बचने के लिए भगवा कपड़े दिए थे। ये भी लॉजिकल चीज़ है, पढ़ लेना जरा। तुम्हारे आदि पुरुष का वर्जन किसी भी इस जनरेशन के बच्चों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्यों? ये लॉजिकल है, किसी प्रकार का कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी प्रकार इस फिल्म से तो बच्चों को, आज की जनरेशन वालों को दूर रहना चाहिए, पूरी की पूरी बाजा बजा कर रखी गई है। इतनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे, ये होगा नहीं। पहले तो ये भटकाने वाले फालतू के बयान देना बंद करिए कि 600 करोड़ इतना बड़े स्केल पे बनने वाली है ना, ये मिसलीडिंग करना और ये फालतू की बातें करना बंद करिए, फालतू के स्टेटमेंट देना बंद करिए। वैसे बहुत सारे लंबा चौड़े स्टेटमेंट आप वैसे ही दे चुके हैं, बहुत बड़े लेखक शायर हैं आप, जिस स्केल पे आपने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया ना, ना ये पहले भी बना है कभी, और ना अब ये अभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को दिख गया कि कैसा शानदार आपने इसको बनाया है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, रामानंद सागर जी आज से 37 साल पहले और योगो साको जी 38 साल 38 साल पहले, दोनों ने करीबन करीब सिमिलर बोलिए, दोनों ने ऐसे प्रोडक्ट पहले ही हम लोग के लिए दिलों पे बना के रख दिए हैं जो सालों साल रहेंगे। रामानंद सागर जी की रामायण, रामानंद सागर जी के जो प्यारे पात्र और एनिमेटेड सीरीज जो है योगो साको जी की, वो सबके दिलों में अभी तक राज कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि वो अमर है। फिर बोलूँगा, याद नहीं कोरोना काल का समय आपको? अपने प्रदूषित काम को, अपने सड़े हुए डॉलक को के लिए प्लीज़ आज की जनरेशन वालों की टांग मत कीजिए, पुलिंग मत कीजिए, उनको मत बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है। बहुत समझदार हैं भैया, बहुत एक्स्ट्रा उनका आई क्यू बहुत तेज आज के जनरेशन वालों का, उनको पता है क्या हमारी सभ्यता थी, क्या हमारे वेद पुराण हैं, सब पता है उनको। उल्लू मत बनाइए हम लोगों को। यही डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं। मनोज, अच्छा जो जनता हंस रही है ना आपके डायलॉग पे, आपके कहने के अनुसार, वो चीज पे हंस रही है कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ है जो ऐसी इतनी महान चीज पे इस प्रकार के डायलॉग लिखेगा, उस चीज पे हंस रही है आपके, उस पर नहीं हंस रही कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। ये गलत फहमी जो है ना अपने मन से निकाल दीजिए, समझ रहे हो? जनता जो हंस रही है ना वो आपको मजाक उड़ा रही है, वो ये सोच रही है क्या संभव है रामायण अपने वेद पुराण के में इतना ये सब ऐसे डायलॉग लिखना, उस चीज़ पर हंस रही है।
है ना, वो आपको उस पर नहीं हंस रही है, अभी क्रिएटिविटी पर नहीं हंस रही, क्रिएटिविटी तो है ही नहीं, तो हंसने की बात ही उससे आपको मजाक उड़ा रही है कि ये संभव करके दिखाया आपने, उनका मजाक खुद मजाक उड़वाया, आप मजाक उड़वा रहे हैं अपना। लोग सिर पकड़ के हंस रहे हैं, सिर पे हाथ मार रहे हैं कि बताओ ये चीज़ पॉसिबल है, और जो तालियां बजा रहे हैं ना वो तुम लोग की फेक मीडिया, जो 6 महीने का तुमने समय निकाला है ना, जो टिकट्स 10 शहर की बुकिंग करवाई है और जो PR जो बैठवाए हुए हैं, वो व्यक्ति यहाँ आपके लिए ताली बजा रहे हैं और आप शो करवा रहे हैं कि और अपने छोटे छोटे बाइट दे रहे हैं कि देखिए कितनी शानदार फिल्म है, बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊँ। मतलब ये मनोज कि आपको क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली, आपने पहले रामायण को उठाया, रामायण को देखा पढ़ा, उसके हिसाब से पर आपने कहा रामायण नहीं बना रहे हैं, उसके हिसाब से पूरे रामायण की चीज़ों को उलट पलट के रख दिया, कछु कछु ढोलक बना दी, जो सीन नहीं थे वो नहीं वो डाल दी, जो सीन थे उनको अलग कर दिया, किस बात की क्रिएटिव लिबर्टी चाहते भैया आप? लिबर्टी चप्पल ले लो, चच्चा फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म चल रही, फिल्म करोड़ों भी कमा रही है, तो ये सोचो आप गैर मनाओ कि ये हिंदुओं की बहुत धैर्य है कि फिल्म चल रही है, सिर्फ यूट्यूबर्स और दूसरे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक आप जूते चप्पल नहीं मार रही है आपकी इस बेवकूफाना और घटिया चीज़ों के ऊपर। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, अब तक लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म के लिए जो आपने करी है, ये लिबर्टी क्रिएटिव लिबर्टी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हुई होती ना तो सर दर्द से कलम हो गए होते, फतवा जारी हो गया होता, सर सर तंत्र जुदा होने वाले डॉलग हो गए होते, पर हिंदू लोग हैं हम, बहुत धैर्य हम लोग के अंदर। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है, हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता ट्रीटमेंट को सोचो, गौर करो उस बात पे कि लंका लगा देने वाले शब्द में गुंडागर्दी है पर असभ्य नहीं है, असभ्य गुंडा ही होना ही तो होता है, गुंडा होने का मतलब आप समाज में गुंडा तत्व हो, इसका मतलब हर एक इंटरव्यू में मनोज जो है ना एक के बाद एक बेवकूफ़ी वाली सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आपको, सफाई क्यों दे रहे हैं, गलती करने पर सफाई दे रहे हैं तभी तो सफाई दे रहे हैं, गलती करी इसलिए सफाई दे रहे हैं, जो व्यक्ति गलती नहीं करता वो सफाई नहीं देता। तेरे बाप की कपड़ा तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है, रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा, अचानक में देख रहा हूं जनता में रावण के प्रति स्नेह नहीं जाग रहा, पर भाषा में स्वच्छता होना चाहिए ना भैया, भाषा में एक सभ्यता होनी चाहिए, सभ्यता सिखा नहीं रहे हैं पर होना चाहिए, क्योंकि रामायण की बात हो रही है, एक चालू फिल्म थोड़ी है कि कोई रोमांटिक फिल्म बन रही है, कोई पीरियड फिल्म बन रही है, पीरियड फिल्म भी नहीं बन रही है, एपिक फिल्म बनी है ना, उसमें थोड़ी सभ्यता होना चाहिए, डायलॉग्स में थोड़ी सभ्यताशीलता होना चाहिए। तो रावण का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि तेरे बाप की ना बोलूं क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा, तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं। प्यार से भक्ति भाव से स्नेह से अगर तुमने इस फिल्म के डायलॉग लिखे होते तो पता चलता, या अच्छे से रामायण देखी होती कि भगवान राम भी अपने दुश्मनों से कितने अच्छे से कितने सभ्यता से बात करते हैं, ये नहीं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेबी तेरे बाप की, भैया ये रावड़ी राठौर नहीं चल रही है, ये महाकाव्य पे आप फिल्म बना रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये रामायण आदिपुरुष रामायण नहीं है। बहुत अच्छे मनोज अच्छा, जिस प्रकार के आप शायर हैं ना तो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बहुत अच्छे डायलॉग लिखें, क्योंकि आपसे अच्छा लेखन कार्य की उम्मीद कर रहे थे, पर आपने किया क्या, रामायण देख लो पूरी पूरी रामायण सुन लो आप, किसी भी कांड में किसी भी जगह चाहे किसी का वध किया हो राम जी ने, चाहे वाली वध हो चाहे दूसरा वध हो, और कभी भी असभ्यता का असभ्य भाषा का उनने इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा से उसने इससे बात किया उनने, और जब आप रावण श्री राम और रावण का युद्ध देखते हैं और रावण की मृत्यु होती है, मृत्यु शय में जब रावण लेटा होता है तब आप संवाद देखिए श्री राम जी के और रावण के, ऐसे ही नहीं कहा जाता श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा राम, उस समय भी स्नेह से बात कर रहे थे और आपने क्या किया, भूल गए कोरोना टाइम, पहली बात ये बोली है कि इसमें मेरा कुछ नहीं, लेखक होने के नाते तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, गजब बात है यार, फिल्म चलती डायलॉग से, डायलॉग नहीं बोलोगे तो लिखोगे और फिर वो पात्र डायलॉग नहीं बोलोगे तो फिल्म चलेगी कैसे, सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर एक गधा भी मूवी देखेगा ना तो पाठन रामायण की बात आए तो तुम कह दोगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वाचन रामायण की बात आए तो तुम कहोगे मैंने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें घमंड होगा ना कि तुमने दादी नानी और TV में सुन के रामायण देखी समझी हैं, तुम तो झक्की रिसर्चर हो हैं, तुमने साबित कर दिया इंटरव्यू में और तुमने साबित भी कर दिया इंटरव्यू में, इंटरव्यू देखे ये कि तुम कितने झक्की इंटरव्यूअर हो हैं, तुमने अपने काम में ना दिल तुम अपना काम दिला के करते ही नहीं हो, ये तुमने दिया बहुत इज्जत है तुम्हारी, लेकिन अब इस इंटरव्यू देख इज्जत बिल्कुल नहीं है, एक जापानी योगो साको ने 10 वर्ष लगाए थे, 6 भजन पढ़े थे है ना, और उसने तब जाके ये रामायण बनाई थी और तुम ये घटिया स्टेटमेंट दे रहे हो हैं।
बड़ा खुश हो रहे हो, जलीली बातें कर रहे हो, हाथ करके बातें कर रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बताने के लिए, तुमने सबको सही किया। सब्र करो चचा, सब्र करो। इंटरव्यू शुरू होते ही चचा बोल देते हैं कि हम हैवीली इंस्पायर है रामायण से, पर रामायण नहीं बनाई हमने, हमने बनाई है आदि पुरुष, आदि पुरुष। जब तुमने रामायण नहीं बनाई है तो कंपेयर क्यों कर रहे हो पात्र से? क्यों हनुमान जी के बारे में बात करो, क्यों राम जी के बारे में बात करो, क्यों रावण के बारे में बात करो जब तुमने रामायण नहीं बनाई? पागल हो क्या? तो मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण नहीं बनाई। जो तुमने बनाया, जो मटेरियल तुमने बनाया, उसको सोर्स कोड करो ना भैया, वो बताओ ना कि तुमने क्या बनाया है, क्यों बार बार ये चीज़ कह रहे हो तुम? और पहली बात तो कर दिया है, तुमसे उम्मीदें करेंगे तभी तो तुम इतने बढ़ चढ़ के उचक्के बोल रहे हो कि तुमने रामायण से हैवीली इंस्पायर हो, लेकिन रामायण तुमने नहीं बनाई है। चचा जाओ एक आध दिन अच्छी नींद लो, अच्छे से खाना खाओ, मनपसंद खाना खाओ, और फिर बोलो कि हाँ तुमने रामायण ही बनाई, पर तुमने क्या बनाया समझ में नहीं आ रहा है। अफवाहों का शिकार ना बने। ह्यूमर और अफवाहें ना तुम्हारी पीआर टीम फैला रही है, ना कि वो लोग फैला रहे हैं जो फिल्म देख रहे हैं। वो जो फिल्म देख रहे हैं ना वही बता रहे हैं, वो फिल्म जो देख रहे हैं ना जो बनी है वही तो देख रहे हैं। तो थोड़ी है कि आँख बंद करके बैठे हैं और कान बंद करके बैठे हैं, बस थिएटर में बैठ गए और अपने हिसाब से इमेजिनेशन कर ली कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसा ऐसा बना है। भैया ये आपकी पीआर टीम कर रही है, उस पर ध्यान दें थोड़ी। बहुत सी बातें हैं कोई मतलब नहीं कहने की, पर यह है कि 17 से 18 मिनट का इंटरव्यू देने के में मनोज सर ने, मनोज जी ने, मनोज मुंतशिर ने, मनोज शुक्ला जी हैं जो भी हैं, उनने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही बताया है, ऑडियंस को गलत बताया है। उनने बताया कि हेटर्स फैला रहे हैं, हेट गलत गलत अफवाहें फैल रही हैं। उनने कुल मिला के खुद का बचाव किया है और फिल्म को अच्छा बताया है और पूरा का पूरा ठीक रहा जो है ऑडियंस से फोड़ा है। करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, प्लीज़ लाइक करिए, जितनी लाइक करेंगे उससे ज़्यादा वीडियो फैलेगा। प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। आपको शुभ सभी को। जय श्री राम।